सो जी, ट्राइबहोम के मोमोज आपने खा करके काफी पचाए होंगे, बट आज एक सिमिलर वैरायटी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं एक न्यू लोकेशन पे। अब ये रैंडम टॉपिक मैंने कहाँ से उठाया है, तो इंस्टाग्राम पे मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, देयर बाय मुझे सिमिलर प्रोसेस पे दिखा वो मोमो का मेकिंग, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। बाकी बात एक चीज और मैंने नोटिस किया था कल परसों, तो वो मैं आपको एक स्टोरी शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। डोमिनोज का एक स्टोरी है, मेरा स्टोरी नहीं है, ठीक है, पर मैंने जो देखा वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। भाई BIT वाले बच्चों, ये स्टोरी आप जरूर वेरीफाई करना, अगर आप और अगर आपका कोई दोस्त BIT में पढ़ता है तो आप उनसे जरूर जा करके कंफर्म करना कि ऐसा कुछ है या नहीं है, और है तो भाई उनको लेकर के जाओ एंड पूरी आपकी पार्टी है। ओके, सो लेट मी टेल यू वेयर आई एम। सो ये विशाल मेगा मार्ट है बरियातू के पास वाला, और दैट्स द स्टॉल, लेट मी शो यू। या तो यहाँ ये लोकेशन है, टमैंग मोमोज इनका नाम है। तो अभी भी मेरे ध्यान में बहुत ताज़ा बात आई है कि भाई मेरी फ़ोटो कौन लेगा। अब वीडियो से ही फुटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल तो आया हुआ हूँ अकेला। तो चलो भाई, दस द मोमो, और भाई क्वांटिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, बोलूँ तो साइज भी काफ़ी बड़े हैं। और मैं सही सही बताऊँ ना, तो मैंने आज तक कभी भी फुल प्लेट मोमोज के लिए तो ऑर्डर कभी नहीं किया है। ये फ्राइड मोमोज जो है ग्रेवी वाले, और ये बेसिकली बाकी जगह जो मैंने जितना देखा है रंग थोड़ा फीका होता है, एंड इसमें चटनी का कलर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लालम लाल राइट। तो चलो इसका फीलिंग अंदर आपको चेक कराते हैं, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। और आपको स्टोरी सुनाना था ना, तो पहले फीलिंग दिखा देते हैं, थोड़ा एक बार टेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद आगे बात करेंगे। रुको, ऐसे नहीं होगा, पहले मैं एक बाइट ले लूँ। फीलिंग काफ़ी भर भर गया राइट। मोर ओवर मुझे यहाँ जो दिख रहा है, चिकन, ओनली चिकन एंड ऑनियंस दिख रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा सा स्टोरी सुन लो, और इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि व्हाट्स माई कंपेरेटिव व्यू, कि मुझे कौन सा वाला मोमो ज़्यादा पसंद आएगा। सो प्रिटी मच स्टोरी कुछ ऐसा है ना कि डोमिनोज में गया हुआ था रात के 9 बजे के अराउंड, एंड वहाँ पे BIT के कुछ बच्चे आए, 4 से 5 लोग, और उन्होंने धड़ाधड़ ऑर्डर किया। मतलब कि लाइक डोमिनोज का पूरा रैक इतना लंबा बन चुका था, ठीक है, जो ऑर्डर्स थे उनके पिज़्ज़ा के। अब भाई मैं टिशू लेने गया काउंटर पे, भैया ने पूछा कि आप भी BIT से हो, तो मैं बोला नहीं भाई। अब उन्होंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि जो ऑर्डर वो लोग कर रहे थे वो सारा बिल BIT के ऊपर फट रहा था, ठीक है, मतलब कि जितना भी ऑर्डरिंग था सारा बिल BIT की लाएगा। और 3 महीने तक वो जो डोमिनोज काउंटर वाले भैया थे उन्होंने बताया कि 3 महीने तक ये वाला चीज़ चलने वाला है। तो अब प्रिटी मच क्या स्टोरी है भाई BIT वाले बच्चों, और अगर आपको कोई दोस्त है तो उनको ये बताओ और पूछो ऐसा कुछ है, अगर है तो भाई अपनी पार्टी ले लेना, ठीक है, फ्री फोकट में अगर कोई पेंडिंग पार्टी उनकी है तो बहुत अच्छी बात है। बैठे हुए मैंने इसका प्राइसिंग बताना भूल गया, ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है जो कि पूरा इनका फुल है। तो मोर ओवर बोलूँ तो 20 रुपये का मेरे को डिस्काउंट ही आ रहा है साथ ही साथ। बाकी इसे मैं थोड़ा सा फिनिश कर लेता हूँ क्योंकि लग रहा है पानी वगैरह आएगा, ठीक है, तो क्योंकि हवा काफ़ी चल रही है, तो ऐसा ना हो भाई बीच रास्ते में लटक जाऊँ, ठीक है, तो पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। थैंक यू भाई, टेस्टी तो है। सी सीधी बात बोलूँ ना, तो प्रिटी मच इनका साइज जो है ट्राइबोंग वाले से काफ़ी बड़ा है, ठीक है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी, ठीक है। तो फीलिंग भी कोई कंजूसियत नहीं है, पूरा भर भर के फीलिंग है। बस तकलीफ ये है कि मैं रहता उस ओर हूँ और मुझे आना पड़ा है बरियातू, जिसके वजह से ये प्राइसिंग मुझे मतलब क्या बोले एडजस्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि आने के लिए भी तो कॉस्टिंग लगता है। बाकी बात अगर इस एरिया में अगर बरियाती वाले साइड पर रहते हो ना, तो ये मोमोज आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे हैं। स्पीकिंग फॉर द फ्लेवर्स, जो कि मुझे टेक्निकली आ रहे हैं, तो अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, जो कि भाई 300 रुपये किलो हो चुके हैं अभी के रेट के हिसाब से, तो मुझे जो लास्टली याद था, ठीक है, अब उसके बाद भी अदरक पड़ना ही है इसमें भाई, नहीं तो मोमोज का टेस्ट प्रॉपर आने वाला नहीं है।
और ऑनियन का टेस्ट प्रॉपर आ रहा है एंड जो चिकन मिन्स है उसका टेस्ट प्रॉपर आ रहा है, साथ ही एक जो पेपर है ब्लैक पेपर का जो आपका पाउडर होता है उसका भी थोड़ा थोड़ा सा है। और मोर ओवर बोलूँ तो अदर कुछ जो जैसे प्याज वगैरह है उसका क्वांटिटी बहुत लेस है, मतलब कि एज सब्स्टिट्यूट साइड वाइज की तरह ही है। मेन फीलिंग जो है फुल्ली चिकन की है। बाकी आपका कौन सा फेवरेट मोमोज है आप जरूर बताना, अगर हमें कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग जरूर चेकआउट करेंगे। एज सच मैंने बताया हुआ है कि मैं मोमोज के साथ वेज सूप ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। प्रीटी मच बोलूँ तो इनका वेज सूप अच्छा है, टेस्ट अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा वेज ब्रॉथ बनाया है इन्होंने। तो आप फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, ट्राइबोंग अच्छा है, ठीक है, मोमोज के साइज़ उनके एवरेज रहते हैं, इनके वाले थोड़े बड़े थे और देयर बाय मोमोज को इन्होंने थोड़ा ज़्यादा देर तक फ्राई कर दिया था, सो टिपिकली टेस्ट वाइज सब अच्छा लग रहा था, बस थोड़ा सा अंदर से ड्राई लग रहा था, तो वो मेयोनीज की कमी से वो चीज़ पूरी हो जा रही थी, बट फिर भी वो वाली चीज़ थोड़ी सी थी, ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा अंदर से जूसी रहता है ना वो वाली चीज़ थोड़ा सा कम हो गया, बाकी बार टेस्ट वाइज काफ़ी बेटर था। और अगर मान लो मैं फ्राइंग कंसिडरेशन को अगर हटा दूँ तो लिटरली तमांग मोमो इज़ द विनर, 50 रुपीज़ फॉर अ हाफ प्लेट, नॉट अ सस्ता ऑप्शन एंड नॉट अ महंगा ऑप्शन, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिकल। लेकिन हाँ, ट्राइबोंग अब थोड़ा थोड़ा सा एक्सपेंसिव की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, मोर ओवर उसकी भीड़ भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हो सकता है पॉसिबली इसलिए भी उन्होंने ऐसा कर रहा हो। सो लास्टली आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो, और भाई डोमिनोज का स्टोरी मैंने सुना दिया तो आप जा करके अपने दोस्तों से कन्फर्म कर सकते हो। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा।